बात है। राघवपुर नाम के एक शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में मुकेश अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। मुकेश एक सरकारी नौकरी करता था, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा था। मुकेश ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा अपने जीवन में खुश रहता था। मुकेश की पत्नी का नाम रीमा देवी था। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, घर का सारा काम संभालती थी। वह भी अपनी नौकरी से बहुत खुश थी, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। मुकेश के बेटे का नाम सोहम था। वह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र अभी लगभग 5 साल की होगी। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। वह हमेशा अपने माता पिता की बात मानता था। इसी तरीके से पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ महीनों के बाद मुकेश की पत्नी को एक बीमारी हो गई। बीमारी होने के कारण कुछ महीनों के बाद ही उसका देहांत हो गया। इसके कारण मुकेश और उसका बेटा दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था, सोहम अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। वह बहुत रो रहा था। मुकेश को भी समझ नहीं आ रहा था, वह अपने बेटे को कैसे समझाए, वह अपने बेटे के लिए क्या करे। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, जिससे मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी और उसको माँ का प्यार भी मिल जाएगा। इसलिए उसने कुछ महीनों के बाद ही मीरा नाम की लड़की से शादी कर ली। मीरा देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वह दिल की बहुत बुरी थी। वह हमेशा अपने शक्ल और सूरत पर बहुत घमंड करती थी, लोगों को बहुत बुरा बुरा बोलती थी, लेकिन मुकेश के सामने हमेशा मीठी बोली बोलती थी। इससे मुकेश को लगता था वह बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है। मुकेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, वह कितनी बेकार लड़की है, सबके साथ कैसे बदतमीजी के साथ बात करती है। मीरा घर पर आती है और रहने लगती है। कुछ महीनों तक सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, मीरा का स्वभाव सबके सामने आ रहा था। मीरा ने सोहम के साथ रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उसको हमेशा डांटती और मारती रहती, उसको ढंग से खाना भी नहीं देती थी, घर का सारा काम भी करवाती थी। जब सोहम स्कूल से आता तो उसको घर के कामों में लगा देती, खुद आराम करती रहती। सोहम स्कूल से आने के बाद थक तो जाता ही था, लेकिन वह घर का काम करने के बाद वह बहुत थक जाता था। घर का सारा काम करने के बाद बिना खाना खाए सो जाता था। मुकेश जब शाम को आता था, तब उसकी पत्नी उसको बोलती थी, सोहम ने बहुत पढ़ाई कर ली है, खाना खाकर आराम कर रहा है। मुकेश को भी ऐसा ही लगता था। फिर वह अपने बेटे के पास गया। देखने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। मुकेश ने हमेशा अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास किया, जिसके कारण दिन ब दिन बहुत काम करने के कारण सोहम की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई। कुछ दिनों तक मीरा ने तो उसकी खराब तबीयत को छुपा लिया, लेकिन जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तब मुकेश को पता लग गया, उसके बेटे की तबीयत खराब हो रही है। मुकेश जब उसको अस्पताल में लेकर जाता है, तब डॉक्टर उसको बोलता है, आपके बेटा बहुत बीमार है, उससे बहुत काम करवाया जाता है, उसने बहुत दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया है, जिसके कारण इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर बोलता है इसको कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में रुकना पड़ेगा, तभी इसकी तबीयत सही हो पाएगी। मुकेश यह सब बात सुनकर दंग रह जाता है। उसको लगता है, मेरे बेटे की हालत ऐसे कैसे हो गई? मेरी पत्नी तो मुझे बोलती थी वह हमेशा समय पर खाना खा कर सो जाता है, आराम
करता है। फिर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? वह मन ही मन सोच रहा था, पक्का मेरी पत्नी ने इसके साथ ऐसा किया है जिसके कारण मेरी बेटे की तबीयत खराब हो गई, वह बीमार हो गया। तब राकेश सोचता है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी ने ही यह सब किया है, मुझे पता चल गया है। जब सोहम ठीक हो जाएगा तो वह घर पर आराम करेगा, अपनी पढ़ाई सही से करेगा। एक महीने के बाद सोहम घर पर आ जाता है, सब कुछ सही चलने लगता है। मीरा को भी लगता है, यदि मैंने सोहम का सही से ख्याल नहीं रखा तो मेरी पोल खुल सकती है, इसलिए वह अब सोहम का अच्छे से ख्याल रखती थी, उसको खाना भी समय पर दे दी थी। ऐसे ही इन लोगों की जिंदगी कुछ महीनों तक चलती रही, लेकिन कुछ महीनों के बाद मीरा का फिर दिमाग फिर गया। वह राकेश से बोलती है, मुझे अपना खुद का बच्चा करना है। तब मुकेश बोलता है, सोहम तो घर में है, फिर बच्चे की क्या जरूरत है? अपनी जिद पर अड़ जाती है, वह बोलती है, मुझे तो बच्चा चाहिए। वह थक हार मान गया। एक साल के बाद उनके घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सोहम भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बच्चा आने के बाद सब लोग घर में बहुत खुश रहने लगते हैं, लेकिन मीरा का बर्ताव धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। वह केवल अपने बच्चे का ही ध्यान रखती थी, सोहम का ध्यान रखना छोड़ दिया था। मुकेश को भी यह बात पता चल गई थी, उसने बच्चा केवल घर का पैसा लेने के लिए ही किया है। वह इस बात को लेकर बहुत दुखी था, इसलिए उसने मौका पाकर अपना सारा पैसा अपने बेटे सोहम के नाम कर दिया। लेकिन मीरा को इस बात की भनक तक नहीं लगी। मुकेश सोहम को लेकर बहुत चिंतित रहता था, जिसके कारण उसको एक बीमारी हो गई। उसकी कुछ महीने के बाद ही देहांत हो गया। अब मीरा को खुली छूट मिल गई। अब वह तो सोहम को बहुत मारती थी, खाना भी नहीं देती थी, बहुत मारती थी, उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। वह केवल अपने बच्चे को ही देखती और उसको ही खाना देती थी। सोहम इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था। मीरा सोचती थी, अब तो यह सारा घर मेरा है, इसे कोई भी नहीं ले सकता है, अब सारा धन दौलत मेरा हो गया। वह अपने चाचा के घर चला गया। सोहम जब अपने चाचा के यहाँ पहुँचता है, वह अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बताता है। उसके चाचा भी यह सब बात सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी उसके चाचा बोलते हैं, तुम्हारे पापा ने मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले ही बताया था, मुझे पता था मीरा यह सब करेगी, इसलिए तुम्हारे पापा ने सारी धनदौलत तुम्हारे नाम कर दी है। तुम किसी चीज की चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ आराम से रहो और स्कूल जाओ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहम यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, अपने चाचा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसका जीवन दुखी जीवन सुख में बदल जाता है। वह अपने चाचा और चाची के साथ पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करना लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है, एक को बहुत मानती है और एक को हमेशा डांटती रहती है, जिसके कारण सोहम की जिंदगी दुख में बदल रही थी। लेकिन उसके पिता ने एक अच्छा काम किया और अपनी धन दौलत अपने बेटे के नाम कर दी। सोहम अपने चाचा के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसका दुख भरा जीवन सुख में बदल गया। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों में अंतर नहीं करना चाहिए।
जिसके कारण बच्चे आपस में खुश नहीं रह सकते और घर में खुशी नहीं रहती है। यदि घर में सब लोग मिलकर रहेंगे तो ही घर में खुशी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन दौलत और सुख समृद्धि आए तो हमेशा घर में सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। माँ का फर्ज है अपने बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को एक समान प्यार देना चाहिए। उनका भरण पोषण भी अच्छे से करना चाहिए। बच्चों का अपमान करना, बच्चों को मारना भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, इसलिए बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा प्यार देना चाहिए।